नमस्कार दोस्तों, हार्मोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हमारे फौजी भाइयों का एक बहुत ही मन पसंदा गीत सिखाने वाला हूँ, संदेश से आते हैं। तो ये देशभक्ति गीत उन लोगों का बहुत फेवरेट गाना है, तो मैं आपको ये इस वीडियो में सिखाऊंगा और मैं इस तरीके से ये वीडियो से मैं आपको ये गीत बजाना सिखाऊंगा। आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं सिखाया। अगर 4 साल का बच्चा भी इस गाने को बजाने बैठेगा ना, वो भी बड़ी आसानी से बजा लेगा। हर एक लाइन के नोट्स मिलेंगे, बड़े सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। चलिए गाना शुरू करते हैं। गाने की पहली लाइन के बोल है संदेश से आते हैं, जो कि शुरू होगी यहाँ से। पहले देखते हैं पहली लाइन कैसे बजेगी। तो बड़ा सिंपल सा पहला लाइन, तो 7 3 बार है, देखिए कैसे, ये बन गया संदेश से आते हैं। उसके बाद अगली लाइन के बोल हमें तड़पाते हैं, तो ये लाइन भी सेम जैसे आपने बजाया संदेश से आते वैसे ही बजेगी, हमें तड़पाते हैं। ठीक है जी, बड़ा सिंपल था। उसके बाद अगली लाइन के बोल है तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते, तो सेम ये भी सेम ही बजेगी, तो चिट्ठी आती है पहले देखते हैं, उसके बाद तो पूछ जाती है। तो मतलब कहने का है कि गाने की शुरुआत में 4 लाइन बजेंगी, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं, तो चारों लाइन एक ही जैसे बजेंगे। ठीक है जी, तो मतलब 4 लाइन आप सीख चुके। अभी चलते हैं अगली लाइन के ऊपर। अगली लाइन के बोलने के घर कब आओगे, जो कि शुरू होगी यहां से माँ से। फिर से देखते हैं कि घर कब आओगे। उसके बाद अगली लाइन के बोल लिखो कब आओगे। ठीक है जी, उसके बाद अगली लाइन के बोल है कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, जो कि शुरू होगी यहां से पा से। बड़ा सिंपल था, फिर से देखते उसके बाद से वही आ जाएगा, संदेश से आते हमें तड़पाते, जो आप ऑलरेडी सीख चुके। तो मतलब कि आधा गाना आप सीख चुके, अगर आपने इतना समझ लिया सीख लिया तो आधा गाना आप लोग सीख चुके। अभी चलते हैं अंतरपाठ में। अंतरपाठ की पहले लाइन के बोल हैं किसी दिलवाली ने, जो कि शुरू होगी सा से, देखिए कैसे बजेगी। फिर से देखिए, उसके बाद अगली लाइन के बोल है किसी मतवाली ने, सेम जैसे आपने बजाया किसी दिलवाली ने वैसे ही बजे किसी मतवाली ने। उसके बाद तीसरी लाइन के बोल हमें खत लिखा है, तो ये भी सेम ही बजेगा। तो मतलब कहने का क्या है कि किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा, ये तीनों लाइनों एक ही जैसे बजेंगे। फिर से देख लीजिए, उसके बाद अगली लाइन के बोल है कि हमसे पूछा है, जो कि शुरू होगी पास से। फिर से देखिए कैसे बजेगा, ये हमसे पूछा है। सिंपल। उसके बाद अगली लाइन के बोल है किसी की सांसों ने किसी की धड़कने, तो पहले देखें किसी की सांसों ने शुरू होगी नी से, कैसे बजेगा। फिर से देखिए किसी की सांस। उसके बाद किसी की धड़कन ने, उसके बाद किसी की चूड़ी ने, तो ये तीनों लाइन भी एक जैसी, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने, तीनों लाइन एक जैसे बजेंगी। उसके बाद आखिरी लाइन किसी के कंगन ने, तो देखते कैसे बजा किसी के कंगन ने। इतना सीखने के बाद फिर आपका वही आ जाएगा। यही कुछ है इस गाने में, और कुछ नहीं। दुनिया का सबसे आसान गाना है, बहुत फेमस गाना है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने सीखा है आप बड़ी आसानी से सीख गए होंगे। अगर आप इस गाने का म्यूजिक पार्ट सीखना चाहते हो तो ऊपर कल मैंने एक वीडियो डाला था इसी गाने के ऊपर,
तो उसमें मैंने इसका म्यूजिक पार्ट भी सिखाया, ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये गाना सीख गए होंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते अगली वीडियो में।